वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद करनी है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का इंग्लिश है सप्लीमेंट्री इंग्लिश रीडर 2, उसका चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर है एलर्जी, ठीक है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राणा एसपी सिंह। इससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपके 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, इन द लेसन द ऑथर टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज, ठीक है। इस लेसन में जो कवि हैं वो अनेक प्रकार के एलर्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न है, अ पर्सन हैज टू बी एक्सपोज टू द पार्टिकुलर डैश फॉर सम टाइप्स टू बिकम एलर्जी टू सिंपल टर्म्स, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। चलिए हम तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, द डैश द डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, द डायरेक्ट पाथ ऑफ एलर्जी डेवलपमेंट इज वाइडली रेफर टू एज द एलर्जी मार्च, ठीक है, एलर्जी मार्च। अगला है हमारा चौथा नंबर प्रश्न, द क्लिनिकल यूज ऑफ इनहेल्ड डैश इज करेंटली गेनिंग अराउंड ड्यू टू देयर एंटी फॉर्मेशन इफेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टेरॉइड। चलिए अपना पांचवा नंबर देख लेते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, सीट्स मैटर्स पैड एंड ब्लैंकेट शुड बी वॉश्ड वीकली इन हॉट वाटर। जो सीट्स और पैड्स है, ब्लैंकेट है, इस सबको सप्ताह में एक बार धोना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा छठा नंबर प्रश्न, हु इज द ऑथर ऑफ दिस टाइटल एलर्जी, डॉक्टर एस पी राणा सिंह, ठीक है। अगला है हमारा, व्हाट इज एलर्जी, एलर्जी क्या है, मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला आठवां नंबर हमारा प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉज्ड बाय एलर्जी, एलर्जी का कारण क्या होता है। तो ये सब होता है फीवर, अस्थमा, अरे चलिए अपना नौवा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हमारा नौवा नंबर प्रश्न है, हाउ कैन एलर्जी बी ट्रीटेड, एलर्जी को कैसे ठीक किया जा सकता है, बाय अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों है, ऑप्शन बी में है, बाय टेकिंग एंटी एलर्जी मेडिसिन। तो हमारा अंतिम प्रश्न होगा इस चैप्टर से, व्हाट इज सजेस्टेड टू अवॉइड एलर्जी, रीड एंड अंडरस्टूड फूड टेबल लेवल, सॉरी रीड एंड अंडरस्टूड फूड लेवल्स। इस प्रकार इस चैप्टर से 10 MBBI प्रश्न थे सप्लीमेंट्री इंग्लिश रीडर का, समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।